नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त उमेश शर्मा एक बार फिर से हाजिर आपकी सेवा में। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी के लिए आप लोगों ने देखे नोटिफिकेशन ये देखा होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके सामने रखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको भी पता होगा, आपने देखा होगा कि इसमें क्या क्या वैकेंसी रखी गई है, क्या डिटेल्स दे रखी है, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। इसी की बात कर रहा हूँ मैं एसएससी जीडी की, ठीक है दोस्तों। लेकिन जीडी को फॉर्म भी आपने भर दिया होगा, फिर भी अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी जो डेट है वो बढ़ा करके, पहले जो आपने अगर फॉर्म नहीं भर पाए होंगे तो इसकी डेट कर दी गई है 30 सितंबर, तब आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। अगर जिन दोस्तों ने अभी तक फॉर्म नहीं लगाया वो दोस्त अभी भी फॉर्म लगा सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, पता नहीं लास्ट टाइम में आपकी साइट काम करें ना करें। दोस्तों इसी से रिलेटेड अपन आगे चलते हैं। दोस्तों कई दोस्तों की मेरे पास कमेंट आए थे, कई दोस्तों के फ़ोन आए थे, उन लोगों ने बोला कि सर इसकी आगे के लिए हम एक क्राइटेरिया तैयार करें कि हम तैयारी कैसे करें, किस हिसाब से करें, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो दोस्तों इसी कट ऑफ के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो इस कट ऑफ को जानने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इसकी जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो क्या थी। तो अपन बात करेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ, जैसे कि वैकेंसी जो पुरानी वैकेंसी आई थी वो लास्ट वैकेंसी आई थी 2015 में आई थी, उसके बारे में अपन बातें करते हैं, उसमें कितनी वैकेंसी थी, क्या थी, उससे रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि अपन इस पेज पे आ चुके हैं, अपन मैं बात कर रहा था आपसे 2015 के अकॉर्डिंग देखिए ये जो वैकेंसी आई थी यही एसएससी जीडी की, कॉन्स्टेबल जीडी की वैकेंसी है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ये कब हुआ था, 3/1/2014 को, ठीक है। जो फाइल नंबर है 3/1/2014, नोटिस डेट है इसकी 24/1/2015। तो देखिए दोस्तों इसकी जो वैकेंसी टोटल थी, इसकी टोटल वैकेंसी की अगर अपन बात करते हैं, इसकी टोटल वैकेंसी जो थी वो थी आपकी 62,390, ठीक है दोस्तों, 62,390। और इस बार जो वैकेंसी है वो है आपकी 54,000 समथिंग है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पिछली बार क्या कट ऑफ रही गई थी, उन कट ऑफ के आधार पे अपन बेस लेके चलते हैं। तो पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 62,390, उसके अकॉर्डिंग देखिए स्टेट वाइज अपन बात करते हैं। जैसे अभी जो वैकेंसी आई हुई है, वैकेंसी में अभी स्टेट वाइज ऐसे कुछ भी नोटिस में नहीं दे रखा, लेकिन इतना दे रखा है कि किस डिपार्टमेंट से कितनी वैकेंसी है। जैसे आपको बता रखे कि BSF में इतनी, CISF में इतनी, CRPF में इतनी है, सब पार्ट्स में अलग अलग वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। लेकिन यहाँ अपन बात करते हैं, जैसे कि लोग ऐसे होंगे जिन्होंने राजस्थान से फॉर्म फिलअप किया है, किसी ने राजस्थान से नहीं करके, किसी ने जो यूपी से एग्ज़ाम देंगे, कोई बिहार से एग्ज़ाम देंगे, सबके अलग अलग कट ऑफ हैं। तो सभी लोग अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि टोटल लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी 2015 में टोटल थी 62,390 समथिंग वैकेंसी थी, उनमें मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी थी 53,857, ठीक है, 53857, उसमें BSF में रखी गई थी 17,698, CISF के लिए रखी गई थी 4,493, CRPF के लिए 22,623, SSP के लिए 5,619, ITVP के लिए 2,795, AR के लिए 300, NIA के लिए 82, SSF के लिए 247। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी रखी गई थी इनमें से 62,000 में से आपकी जो रखी गई थी, ठीक है, ये 17,698, जैसे कि मैंने बात की थी, टोटल जो वैकेंसी थी आपकी 62,390, ठीक है। तो इसमें इसी के तरीके से फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था उनके लिए भी, उनके लिए टोटल वैकेंसी थी 8,533, इसमें BSF में थी 4,819, CISF में थी 507, CRPF में थी 1965 मतलब 1965, और SSB में 605, ITBP में 306, AR में 300, NIA में 04 एंड SSF में 27। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी दे रखी है आपकी अलग अलग दे रखी है कि मेल कैंडिडेट की कितनी, फीमेल कैंडिडेट की कितनी है, इसके बारे में अपन, जैसे अभी 2018 की जो वैकेंसी आई उसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट की कितनी क्या वैकेंसी दे रखी है, इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी मैं आपको 2015 की जो कट ऑफ आई थी कि कट ऑफ कितनी रही थी पहले इसी वीडियो में मैं उसी की बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेट वाइज कट ऑफ है 2015 की मेल कैंडिडेट्स की। ये आपको पहले नंबर पे स्टेट कोड, स्टेट और कट ऑफ दे रखी जनरल, OBC, SC, ST और एक्स सर्विसमैन, ठीक है। जैसे अंडमान एंड निकोबार की रही थी, जनरल की कट ऑफ थी आपकी 36, OBC की 33, SC और ST की सोनी की थी, एक्स सर्विसमैन की थी आपकी 35। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश की थी 49,
45, 33, 42 एंड 35। आगे चलते हैं अपन, सभी स्टेट्स के आप देखते जाइए, जो भी आपको लगे आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी। मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ दोस्तों, जो मेन मेन स्टेट है आप उनकी चेक करते जाइए, कि जिससे आपका भी ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो दोस्तों। आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जैसे आगे बढ़ता हूँ मैं, जैसे हरियाणा की बात करता हूँ मैं, हरियाणा की बात करते हैं अगर अपन, तो हरियाणा में जो रखी गई है, हरियाणा की देखिए दोस्तों कितनी रखी गई थी, हरियाणा की थी 80 जनरल की थी, 77 आपकी एसटी की और एससी की 70 और 35 थी आपकी एक्स सर्विसमैन की थी। इसी तरीके से जो मेनली अगर धीरे धीरे चलता हूँ, देखिए यहाँ से आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, देखिए जो राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के लोगों के लिए जो मेनली उन लोगों की ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि क्या रखा जा रहा है, तो राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो जनरल की कट ऑफ गई थी मेरे प्यारे दोस्तों 78, राजस्थान से सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी। और आपकी एस टी सी गई थी 76, एस सी की गई थी आपकी 68, ठीक है, और आपकी जो जनरल एक्स सर्विसमैन की गई थी आपकी 35। आप कैटेगरी वाइज इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, अलग अलग है आपकी, ठीक है। ऊपर आपका लिखा हुआ है जनरल कहाँ है, एसटी कहाँ है, एससी कहाँ है, ओबीसी कहाँ है और एक सर्विसमैन कहाँ है। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, पहले आपकी जनरल है, फिर ओबीसी है, फिर एसटी और फिर एससी है, ठीक है। तो राजस्थान की कट ऑफ की बात करता हूँ, राजस्थान की जनरल की 78, ओबीसी की 76, एसटी की 68 और एससी की जो आपकी वैकेंसी है वो 71 जो कट ऑफ गई थी और एक सर्विसमैन की 35। इसी तरीके से आप आगे के स्टेट की चेक कर लीजिए, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि जो पिछले साल की जो कट ऑफ मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी। इसी के अकॉर्डिंग अपन फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ बहुत ही कम गई थी। इसी आधार पर अंडमान निकोबार की 48 थी जनरल की, ठीक है दोस्तों, और एक सर्विसमैन की 35 थी। ऐसे आपके आंध्र प्रदेश है, सभी स्टेट के आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सभी स्टेट के आपको शो कर रखी है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिर से मैं अगर राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान के कैंडिडेट्स की बात करता हूँ, तो राजस्थान में जो फीमेल कैंडिडेट थी इनकी कट ऑफ गई थी जनरल की 66, ओबीसी की 64 एंड एससी की 54, एसटी की 58 और एक सर्विसमैन की आपकी गई थी 35। तो दोस्तों इसके आधार पर आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, जिससे आपका जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो आपका आराम से क्लियर हो सकता है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर इसी के बेस पे अगर अपन बात करते हैं कि 2018 की, 2018 में अगर बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए इसमें वैकेंसी आपकी 54,000 समथिंग आपकी जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। इसमें आप अगर आपको ये लगता है कि जनरल की कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ क्या रह सकती है, अगर उस टाइम पे आपकी जो वैकेंसी थी वो 62,000 थी दोस्तों, 62,000 थी, 62 समथिंग थी, और अभी जो आपकी जो वैकेंसी है वो है आपकी 54 समथिंग, तो देखिए दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग जो जनरल की कट ऑफ अगर आप मान के चलते हैं तो आप ज़्यादा भी नहीं तो आप मिनिमम 80% मान करके चलिए दोस्तों। अगर आप राजस्थान से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मिनिमम आप जनरल की कट ऑफ 80% मान के चलिए, क्योंकि आप तैयारी उसी हिसाब से रखेंगे। फिर आगे पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा कि पेपर के लेवल पर जैसा पेपर आएगा उससे कम हो सकता सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 80 से ऊपर ज़्यादा जा सकती है, 80 से लास्ट 82 तक हो सकती है। तो आप ये इस हिसाब से तैयारी रखिए कि आपको ये कवर करके चलना है। अब आप बात करेंगे कि सर हमें भी बताइए, जैसे ओबीसी की बात करता हूँ, ओबीसी में ज़्यादा नहीं, आप दो नंबर कम मान के चलिए, 78 मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एससी एसटी की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो एससी की अगर आप बात करते हैं, एसटी की इनमें दो दो नंबर और कम मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए 76 मान लीजिए, 74 मान लीजिए, ये कट ऑफ है आपकी दोस्तों इसकी राजस्थान की। बाकी स्टेट्स की भी अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों जो बाकी जो लास्ट ईयर की जो आपकी वैकेंसी थी उससे आप थोड़ी सी बढ़ा करके चलिए,
क्योंकि इस बार पोस्टें बहुत कम है, उससे ज़्यादा कम नहीं कह सकता, लेकिन पिछली बार आपकी 54 थी, 62 थी, ज़्यादा भी नहीं, तो 8 से 10 हज़ार का तकरीबन इसमें अंतर था। तो उस अंतर को अगर अपन लेके चलते हैं तो उसके आधार पर हो सकता है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा कि इस चीज़ में आपकी जो एक डर था वो डर दूर करने के हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की है कि किस में कितनी वैकेंसी थी, आप उस चीज़ को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम आपकी फाइट हो जाए, तो मैं अभी के लिए आपको इतना ही कहूँगा कि इस चीज़ पर आप कॉन्सनट्रेट कीजिए कि आपको आगे कैसे पढ़ना है, और एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कीजिए, और इस एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम कैसे मेरिट में आ सकते हैं, कैसे ये नंबर कवर अप कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसमें से रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और आगामी जो अभी जो वैकेंसी आई है 2018 की, उसमें आपको कौन से डिपार्टमेंट से टोटल कितनी वैकेंसी, मेल की कितनी, फीमेल की कितनी है, ये कोई भी डिटेल चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अभी के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा, सभी को मेरी तरफ से गुड लक, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा, जिससे जिन दोस्तों के पास ये न्यूज़ नहीं पहुँची है उन्हें भी इसके वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।